जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा नई भर्ती को लेकर के। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 को लेकर के इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसके बाद बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करना है, इसमें जैसे बिहार दरोगा के लिए कौन से बुक को पढ़ना है, ठीक है, इन तीन पॉइंट को लेकर के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यहाँ पर जैसे देखेंगे आप लोग, कुछ ऐसे बुक को भी हम लेकर के आए हैं, जैसे कि इस वीडियो में बताएंगे कि इस बुक को कैसे आप लोग को तैयारी करना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु सर का ये बुक है, ठीक है, जो बिहार दरोगा के लिए स्पेशली, ये जो है आप लोगों को 2008 से लेकर के 2022 तक के जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उसको कंप्लीट इसमें कंसेप्ट वाइज डाला गया है, ठीक है। और इसका जो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया गया बहुत ही बेहतर तरीका से एनालाइज किया गया है, ठीक है। तो इसका पूरा डिटेल में बात करेंगे कि इस बुक से कैसे तैयारी करना है, ठीक है। उसके बाद मैप, जो खान सर का मैप है, इस बुक से आप लोग को कैसे तैयारी करना है, ठीक है। और भी दो तीन बुक को बताने वाला है इस वीडियो में कि कैसे आप लोग को बचे हुए समय में यानी कि कम समय में बेहतर कैसे तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट को लेकर के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी अपडेट होगा सरकारी एग्जाम से लेकर के उसका सबसे पहले आप लोग को इस चैनल से जानकारी मिल सके। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 को लेकर के, ठीक है। जैसे कि बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 को लेकर के सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि इसका रिक्वायरमेंट 2350 पोस्ट पर आएगा, ठीक है, 2350 पोस्ट पर आएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को न्यूज़पेपर में 2 से 3 दिन पहले आप लोग को दिया गया था अपडेट की जो रिक्वायरमेंट आ रहा है 26,000 पोस्ट पे रिक्वायरमेंट आ रहा है 26,000। इसमें जो 26,000 पोस्ट है इसमें जैसे आप लोग को जो है बिहार दरोगा का जो है इसमें बिहार दरोगा का जो रिक्वायरमेंट की बात करें तो देखिए बिहार दरोगा का रिक्वायरमेंट आप लोग को 2000 से ऊपर आएगा, ठीक है। अब ये हो सकता है कि 2000 आए, ठीक है, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग 2000 ही दिया था, लेकिन हो सकता है कि मतलब 2300 के आसपास ये रिक्वायरमेंट आने का चांस है, ठीक है ना। तो ये आपका बिहार दरोगा का रिक्वायरमेंट आएगा, कब तक आएगा वो भी इस वीडियो में हम बताएँगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बिहार पुलिस का जो हो गया, बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार पुलिस का जो रिक्वायरमेंट है ये आपका लगभग जैसे 22,000 तो बताया गया था, ठीक है, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट लगभग 10,000 के आसपास आने वाला है, ठीक है। उसके बाद बिहार ड्राइवर का, ठीक है, यानी बिहार पुलिस ड्राइवर का जो है, बिहार पुलिस ड्राइवर का जो है रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसका जो है लगभग 5,000 के आसपास से जैसे आने का चांस है, लेकिन 2000 बताया गया था, ठीक है। तो ये जो है ये सब रिक्वायरमेंट कब तक आएगा इसको लेकर के काफ़ी सारे छात्र जो है इसका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसका रिक्वायरमेंट जैसे आ रहा है तो इसको तैयारी भी कैसे करना है, इस समय में कैसे आप लोग को तैयारी करना है, बेहतर तरीक़े से कैसे तैयारी करना है उसको लेकर के भी बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि बिहार दरोगा का रिक्वायरमेंट जैसे कि मार्च के लास्ट तक आएगा तो अप्रैल में आएगा, ठीक है, तो उसको लेकर के यहाँ पर जैसे बहुत सारा अपडेट दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है बिहार दरोगा का रिक्वायरमेंट जैसे न्यूज़पेपर में भी दिया था कि ये आप लोग को जून में आएगा, ठीक है, ये आपका जून में आप या तो फर्स्ट में आ सकता है या लास्ट में आ सकता है, ठीक है, लेकिन जून में आने का ज़्यादा चांस है, ठीक है, इस रिक्वायरमेंट को लेकर के जून में आने का ज़्यादा चांस है। उसी तरीका से इन सभी भर्ती को लेकर के भी जून के आसपास आने का चांस रहेगा, ठीक है। इस भर्ती में कम बेसी भी आप लोग को हो सकता है, ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर में आप लोग को 2000 इसमें 22,000 इसमें और इसमें 2000 बताया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग को जैसे मान लीजिए 2000 रिक्वायरमेंट आ रहा है तो इसको लेकर के आप लोग को तैयारी कैसे करना है, इस बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करना है, कौन ऐसे बुक को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए तैयारी करने के लिए आप लोग को ज़्यादा बुक को नहीं लेना है, ठीक है, मतलब लिमिटेड बुक को लेना है और उसको बार बार पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि लूसेंट हो गया तो लूसेंट को आप लोग को लेकर के कम से कम 3-4 राउंड उसको पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जो है जैसे एक करेंट अफेयर का, जैसे करेंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें 25 से 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछेगा, ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर से आएगा। तो करेंट अफेयर का आप स्पीडी का बुक ले सकते हैं या एडिटोरिया का बुक ले सकते हैं, ठीक है, उसको भी कम से कम 2 बार पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी आप लोग को प्री में ज़्यादा नंबर देता है, ठीक है, करेंट अफेयर, ठीक है ना। तो ये 2-3 बुक है, उसके बाद आप लोग जो है इस सब बुक को लेकर के आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पे आते हैं, ठीक है, जैसे कि बिहार दरोगा के लिए कौन से बुक को पढ़े, तो यहाँ पे जो हम प्रैक्टिस सेट जो लेकर के आए हैं इसको कैसे हम इस चैनल पे कराएंगे, कैसे तैयारी करना है आप लोग को, इसी बुक को लेकर के इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो बिहार दरोगा के लिए ये जो रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका स्पेशल बुक जो है ज्ञान बिंदु सर का ये बुक है, ठीक है, और इस बुक में आप लोग को 2008 से लेकर के 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कंसेप्ट वाइज इसमें डाला गया है, ठीक है, यानी उस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड कर दिया गया। जैसे कि एक एग्जांपल आप लोग को देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे
जैसे लिखा हुआ कि क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है, ठीक है, तो ये जो है असम का है। लेकिन नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कथकली कहाँ का है, ठीक है, तो ये केरल का हो जाएगा, भरतनाट्यम कहाँ का है, ठीक है, तो ये आप लोग को तमिलनाडु का हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है, जैसे कि आप लोग को जितने भी नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उसका सभी का क्वेश्चन एक जगह डाल दिया गया है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा में या बिहार पुलिस में कहीं से भी आ रहा है तो आप उसको आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो ये बुक का यही खासियत है कि जितने भी आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दिया गया है उसका आंसर के साथ साथ उस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, एनालाइज किया गया है, ठीक है। तो इस चैनल पे आप लोग को इसी बुक का कंप्लीट आप लोग को सोल्यूशन कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पर डे एक प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर कराया जाएगा, ठीक है, एक एक सेट यहाँ पर आप लोग को कराया जाएगा जो काफ़ी बेहतर तरीके से इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल से भी जुड़ जाइए जिससे यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाए। इसमें आप लोग को जो है जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को ये पूरे चैनल पे जितने भी इसमें प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं 2008 से लेकर के 2022 तक का सभी का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़ जाइए जिससे यहाँ से आप लोग इसका बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे एक एटलस का बुक है, इस एटलस के बुक को कैसे तैयारी करना है, ठीक है। तो ये एटलस का जो बुक है इसमें आप लोग को वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप दिया गया है, ठीक है। और ये जैसे कि आप लोग को एटलस पढ़ लेते हैं जैसे कि वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे, ठीक है ना। तो इस बुक को भी हम कोशिश करने वाले हैं कि इस बुक का जो है यहाँ पे जो जैसे आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे मैप दिया गया है, ठीक है। तो इस बुक को भी कोशिश करेंगे इस बुक को कंप्लीट कराने का, ठीक है। तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। और जैसे ही आप लोग को बिहार दरोगा का अपडेट आएगा सबसे पहले आप लोग को इस चैनल के माध्यम से जानकारी भी मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।